फास्ट रनर ट्रेन कैबेज सैंडविच वाला। घनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा रेलवे स्टेशन था। घनपुर में राम नाम का एक व्यक्ति सैंडविच बेचता था। राम के साथ साथ नागू नाम का व्यक्ति भी सैंडविच बेचता था। राम बहुत अच्छा और ईमानदार आदमी था। उसके सैंडविच बहुत स्वादिष्ट होते थे। स्वाद के हिसाब से ही वो दाम भी रखता था। ऐसे वो रेलवे स्टेशन में सैंडविच बेचता था। उसे कभी कभार चलते हुए ट्रेन के साथ भागते हुए यात्रियों को सैंडविच बेचना पड़ता था। एक बार एक आदमी ने राम को 500 रुपए का नोट देकर सैंडविच चाहिए कहकर पूछा। राम ने उसे सैंडविच दिया। वो राम से छुट्टे पूछा तो राम छुट्टे देने के लिए पैसे गिनने लगा। बस रेल चल पड़ी। रेल बहुत तेजी से चलने लगी। तब उस आदमी की पत्नी, अब आपके पैसे गए सोचो। वैसे भी पहले चीज लेकर उसके बाद पैसे देना चाहिए, मगर पहले ही पैसे देकर चीज नहीं लेते। इतने बड़े हुए ये भी नहीं पता क्या आपको? बोली तब पति, उसे देखे तो वो धोखेबाज आदमी नहीं लग रहा था, इसलिए पहले पैसे दिया। कहा उसकी पत्नी, अब आपके पैसे गए। बोली तभी उन्हें साहब साहब कहकर किसी की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखे तो वो राम था। वो सैंडविच के टोकरी के साथ हाथ में छुट्टे पकड़कर भाग रहा था। राम को देखकर वो आदमी और उसकी पत्नी दंग हो गए। राम भागकर उसे छुट्टे दे दिया। एक बार राम से एक यात्री, राम तुम्हारे बनाए कैबेज सैंडविच बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैं जब भी शहर जाता हूँ तब तुम्हारे सैंडविच के लिए ढूंढते रहता हूँ। तुम अच्छे क्वालिटी के चीजें डालकर सैंडविच बनाकर बेच रहे हो और दाम भी कम रखते हो। तुम्हें मुनाफा मिलता है कि नहीं? पूछा राम तब। साहब मुझे एक सैंडविच के पीछे ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए मिलते हैं बस, मगर मैं ज्यादा मुनाफे के लालच में फालतू चीजें डालकर सैंडविच नहीं बनाता। कहा मगर नागू राम के जैसे नहीं था। नागू सब्जी वालों के पास जाके वहाँ सड़े हुए कैबेज और बाकी के सब्जियां खरीद कर एक्सपायर हुए ब्रेड खरीद कर सैंडविच बनाकर बेचता था। राम ट्रेन के बाहर सैंडविच बेचता तो नागू ट्रेन के अंदर जाकर जबरदस्ती सैंडविच बेचता था। अगर कोई नहीं खरीदता तो नागू उन्हें धमकाता था। एक बार नागू बेकरी के पास गया। वो बेकरी वाला नागू से, क्यों नागू भाई, फिर से एक्सपायर हुए ब्रेड खरीदने आए हो क्या? कहा नागू तब, हाँ ब्रो मुझे सिर्फ एक्सपायर हुए ब्रेड ही चाहिए। कहा तब बेकरी वाला, अरे नागू भाई तुम ऐसे सड़े हुए सब्जियों से एक्सपायर हुए ब्रेड से सैंडविच बनाकर बेचते हो ना, तुम्हें डर नहीं लगता? कहकर पूछा नागू तब, देखो भाई हम रेलवे स्टेशन में सैंडविच बेच रहे हैं, वहाँ पर ज्यादातर लोग स्वाद की परवाह करे बिना सिर्फ भूख मिटाने के लिए ही खरीदते हैं। एक बार जो हमारे पास से सैंडविच खरीदेगा उसे वो पसंद नहीं आया है कहकर कहने के अंदर ही ट्रेन चली जाएगी। हमने उसे सड़े हुए सब्जियों से सैंडविच बनाकर दिया है कहकर पता चलने से पहले ही वो गांव को पहुंच जाएगा। अगर वही हम कोई दुकान खोलकर ऐसे बेचते तो वो आकर हमें पकड़ेगा कहकर हमें डरना पड़ता था, मगर हम टोकरी में रखकर बेच रहे हैं ना, हम उसे नहीं मिलेंगे। हमारे लिए तो कोई भी परमानेंट कस्टमर नहीं होगा, इसलिए हम चाहे जितने भी बकवास पदार्थों का इस्तेमाल करें हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। कहा ऐसे नागू रेलवे डिपार्टमेंट वालों को मुफ्त में सैंडविच देकर कभी कभार पैसे देकर वो ट्रेन चढ़े जब उसे नहीं टोकना है कहकर उनसे समझौता करता है। स्टेशन में ज्यादातर नागू के आदमी होने के कारण उसके अत्याचार बढ़ने लगे। एक बार एक आदमी ट्रेन भोगी में बैठा था। तब नागू उस ट्रेन भोगी के अंदर जाकर, सर सैंडविच चाहिए क्या? कहकर उसे पूछा वो आदमी, मुझे सैंडविच नहीं चाहिए, मैंने अभी अभी एक आदमी से सैंडविच खरीदा है। कहा नागू तब, क्या मेरे रहते हुए तुम दूसरे आदमी के पास सैंडविच खरीदोगे? तुम्हारी कितनी हिम्मत? कहकर उसे मारने हाथ उठाया तो तभी वहाँ बैठे सारे लोग चाकुओं के साथ सीट पे से खड़े हो गए। उन्हें देखकर रामू को कुछ समझ नहीं आया। वो आदमी, क्यों रे मैं एक रोड़ी हूँ, अब MLA इलेक्शन के कैंपेन के लिए मेरे आदमियों के साथ बाहर जा रहा हूँ, तुम मुझ पर ही हाथ उठाओगे? कहकर नागू को उसके आदमियों के साथ मिलके खूब मारा। तब से नागू बदल गया। राम ईमानदारी से काम करके उसी स्टेशन में एक होटल खोला। अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करने लगा। उसका कैबेज सैंडविच बहुत मशहूर हुआ।